आज मैं यहां आया हूं तब ये भी कहना चाहता हूं कि ओडिशा के अच्छे दिन आ गए। आप सुनिए तो क्यों अच्छे दिन आए। द्रौपदी मुर्मू जी महामहिम बनकर बैठी है, धर्मेंद्र भाई शिक्षा मंत्री बने हैं, अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री बने हैं, रिजर्व बैंक के गवर्नर भी ओडिशा के हैं, हमारे टूडू भी मंत्रिमंडल में है। इतना प्रतिनिधित्व ओडिशा को आजादी के बाद कभी नहीं मिला था जितना आज मिल रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में ओडिशा के सर्वांगीण विकास के लिए ओडिशा सरकार को साथ में रखकर हम सब प्रयास कर रहे हैं। मोदी जी का प्रयास है कि टीम इंडिया के नाते केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर आगे बढ़े। और मैं आज आप सबको बताना चाहता हूं ओडिशा के अंदर विकास की अपार संभावनाएं पड़ी हैं। यहां पर दरिया भी है, व्यापार की उज्जवल परंपरा भी है, पुरुषार्थी उत्कलवासी भी है और पूरी धरती ईश्वर की कृपा से खनिज संपदा से भरी हुई है। आने वाले दिनों में ओडिशा का उज्जवल भविष्य मैं देख रहा हूं।